अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग यूग्लेनॉइड पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने यूग्लेनॉइड का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ठीक है। उसके अंदर हमने उसके कई सारे फंक्शन भी देख लिए। अब हम उन्हीं पॉइंट्स को एक बार ज़रा यहाँ समझते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यूग्लेनॉइड से अगर बात करें तो आपको ये पता है कि ये किसको बिलोंग करता है, इसका डिवीजन क्या है, यूग्लेनोफाइस फाइटा, और इसकी क्लास क्या है, यूग्लेनोफाइसी। फिर हमने इसका पूरा स्ट्रक्चर भी देख लिया, इसका हैबिटेट भी देख लिया। अब मैं ज़रा उन्हीं पॉइंट्स को रिवाइज कराऊंगा आपको। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये देखते हैं, स्ट्रक्चर में ही देखें अगर, तो इसमें सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल इज एब्सेंट बट अ प्रोटीन लेयर इज प्रेजेंट। इसमें सेल वॉल नहीं है लेकिन इस पर प्रोटीन लेयर देखी जाती है, और क्या बोलते हैं उसको, कॉल्ड, उस प्रोटीन लेयर का नाम है पेलिकन। इसका फंक्शन क्या है, मैं डायग्राम में आपको लिखवा चुका हूँ, बता देता हूँ यहाँ पे क्या करती है। ये होता है फॉर प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है इसको। इसके अलावा और क्या करता है पेलिकन, ये होता है फॉर रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज के लिए एंड एक्सक्रीशन के लिए भी होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात देखिए, इसमें ना अगर हम इसमें यूग्लेनॉइड्स की बात करें तो यूग्लेनॉइड्स में जो फ्लैजिला हैं वो दो हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज। तो ऐसा फ्लैजिलेशन कहलाता है हेटरोकॉन टाइप फ्लैजिला। तो दे हैव हेटरोकॉन फ्लैजिला जिसमें वन इज शॉर्ट या स्मॉलर। इसका काम क्या होता है, ये शो करता है, शो वर्लपूल मूवमेंट फॉर एनगल्फिंग फूड, ठीक है। और दूसरा क्या है, सेकंड है वन इज लार्ज, ये किस लिए है, फॉर लोकोमोशन के लिए। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब देखिए आगे, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ये हम देख चुके हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके लिए भी हम देख चुके हैं। अगर हम इसकी बात करें ना तो इसमें क्या होता है, यूग्लेनॉइड्स में यहाँ देखते हैं अगला पॉइंट, इसमें न्यूट्रिशन देखते हैं। तो जो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कैसा होता है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यूग्लेनॉइड्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होता है मिक्सोट्रॉपिक। ये मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। मिक्सोट्रॉपिक का मतलब क्या है, इट मींस ड्यूरिंग लाइट, जब लाइट रहेगी तो एक्ट एज ऑटोट्रॉफ, तो ये ऑटोट्रॉफिक होगा। ऑटो में भी कैसा होगा, फोटोट्रॉफिक, और ड्यूरिंग डार्क, जब डार्क कंडीशन रहेगी तो ये क्या करेगा, एक्ट एज
हेटरोट्रॉपिक, तो ये हेटरोट्रॉपिक की तरह काम करेगा। तो क्योंकि ये ऑटो भी है और हेट्रो भी है इसलिए इसका न्यूट्रिशन हुआ मिक्सोट्रॉपिक। इसके अलावा इसमें देखो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, तो ये कैरेक्टर प्लांट वाला हुआ, इसमें सेल वॉल नहीं है, ये कैरेक्टर एनिमल वाला हुआ, इसलिए हम ये बोल सकते हैं इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ये प्लांट और एनिमल के साथ कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। इसमें एक नोट करके पॉइंट आप समझिए, और वो ये है कि जो यूग्लिनॉइड है, यूग्लिनॉइड में होता क्या है, इनमें ना अनफेवरेबल कंडीशन पर इसकी सरफेस एक सब्सटेंस सीक्रेट करती है, वो सब्सटेंस इसको एक सिस्ट में कन्वर्ट कर देगा जो कि रेड कलर का दिखेगा, जिसे बोलेंगे रेड सिस्ट, और ये अनफेवरेबल कंडीशन में उस सिस्ट के अंदर ही रहेगा। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल आएगी तो ये नया यूग्लिनॉइड बना देगा। तो इसमें होता क्या है, इट्स सरफेस सेक्रेट एन केमिकल विच कवर इट टू फॉर्म अ सिस्ट। क्या बनाया सिस्ट, दिस सिस्ट इज रेड इन कलर हैंस कॉल्ड रेड सिस्ट। इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में इट रिमेन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन एंड व्हेन फेवरेबल कंडीशन आकर, जैसे ही कंडीशन बनाएंगे तो क्या होगा, इट चेंजेस टू गिव न्यू यूग्लिनॉइड, तो ये नया यूग्लिनॉइड बना देगा। समझ में आ गई बात, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब इसके बाद हम समझते हैं यूग्लिनॉइड में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। आप ये नोट करें, फिर समझेंगे हम रिप्रोडक्शन। डन, ओहो ये बोर्ड तो ब्लैक पड़ गया भाई। अब तो अब क्या होगा, वेट है ना, वेट जस्ट अ मिनट। सो देखिए, अब इसमें आता है रिप्रोडक्शन। तो अगर जो हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो यहाँ पर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, ये नहीं होता इसमें। इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, और ये कैसे होगा,
बाय लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। ये लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, कैसे होता है, ये हम 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में समझेंगे। तो यहाँ हमने आज कंप्लीट कर लिया अपना यूग्लेनॉइड। तो हमारा ये कंप्लीट हुआ यूग्लेनॉइड। अब हम आगे बात करते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो आता है फ्लिम माउथ। मतलब यहाँ तक ना हमने अपना पूरा होलोफाइटिक प्रोटिस्टा कंप्लीट कर दिया। क्राइजोफाइट पढ़ दिया हमने, डायनोफ्लेट पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ लिया, यूग्लेनॉइड पढ़ लिया। अब चलते हैं फ्लिम माउथ की तरफ। तो देखिए, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट जो सेकंड है, फर्स्ट था होलोफाइटिक, सेकंड है सेप्रोबिक प्रोटिस्टा। और ये कैसे होते हैं, दे आर फंजाई लाइक। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सेप्रोफाइटिक। और इसमें आता कौन है, इसमें आता है स्लिम मोल्ड। ठीक है, अब देखो ये तो हुआ इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस तरीके से होगा। अगर जो मैं इसकी बात करूँ सेप्रोबिक प्रोटिस्टा की, स्लिम मोल्ड की, तो ये कहाँ पाया जा सकता है, हैबिटेट समझे अगर इसका, तो फाउंड इन डैम सॉइल में मिल सकता है आपको ये। इसके अलावा डिकेइंग वुड में मिल सकता है, और मॉइस्ट एरिया में मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो इसमें ना इसमें फ्लैजिला नहीं होते, फ्लैजिला आर एब्सेंट। तो फिर ये लोकोमोशन कैसे शो करेगा, शो लोकोमोशन बाय स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया की हेल्प से लोकोमोट करता है। स्यूडोपोडिया क्या होते हैं, फॉल्स फीट होते हैं इसके अंदर, जिसकी हेल्प से ये मूवमेंट शो करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात समझते हैं, आप नोट करके देखो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब कभी भी कंडीशन कैसी रहेगी, अनफेवरेबल होगी, तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करेगा, जो इसकी बॉडी है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना देगी, जिसको बोलेंगे फ्लोटिंग बॉडी, और उस फ्लोटिंग बॉडी में इसके स्पोर देखे जाएंगे। ठीक है, उसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बताता हूँ कि इसमें क्या होता है, जितने भी ये स्लिम मोल्ड हैं, ये क्या होंगे, स्लिम मोल्ड एग्रीगेट मतलब इकट्ठे होंगे। ठीक है, यहाँ बोल सकते कंबाइन होंगे, और कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, कंबाइन टू फॉर्म एन स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये याद रखना, यहाँ पर प्लाज्मोडियम स्लिम माउथ में क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो स्लिम मोल्ड के कम्बिनेशन से बना। ये क्या बना रहा है, प्लाज्मोडियम बना रही है, और इसी फॉर्म में ये पाया जाएगा। तो ये तो पहला नोट हो गया। दूसरा नोट देखो क्या, दूसरा पॉइंट ये कहता है, ड्यूरिंग
अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन होगी अनफेवरेबल तो क्या बनाएंगे ये, दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, ये अपने आप को बचाने के लिए फ्रूटिंग बॉडी बना देगा एंड इन द टिप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी स्पोर्स आर प्रेजेंट, इनके टिप पर स्पोर पाए जाएंगे। अब क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पर मैं आपको एक स्ट्रक्चर से बताता हूँ ये बात, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हुआ, इसने ये इस तरीके से बना ली फ्रूटिंग बॉडी, ये इसका टिप है, इसके इस टिप में ये स्पोर है, ये स्पोर्स है। अब ना ऐसे एयर चलेगी, हवा चलेगी, अब ऐसे ये एयर चला, एयर करंट, तो एयर करंट से क्या हुआ, ये जो स्पोर है ये अलग अलग जगह पे चले गए, तो यहां पर क्या हुआ, स्पोर्स मूव कर गए, और जैसे ही क्या होगी कंडीशन आएगी फेवरेबल, व्हेन फेवरेबल कंडीशन आकर, जब कंडीशन फेवरेबल आएगी तो क्या हो जाएंगे, दे गिव न्यू स्लिम मोल्ड, ये नया स्लिम मोल्ड बना देंगे। समझ में आ गई बात आपको, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बात है स्लिम मोल्ड की, ठीक है, तो आप इसे ना नोट करें और उसके बाद हम इसके कुछ और बात आगे समझ सकते हैं। डन हो गया नोट डाउन, अब देखो एक बात मैं आपको और बता दूं कि स्लिम माउल्ड में भी सेल वॉल नहीं होता, तो सेल वॉल इसमें क्या है, एब्सेंट है, तो एक पॉइंट और लिखते हैं हम लोग, सेल वॉल इज एब्सेंट इन अडल्ट और प्लाज्मोडियम फॉर्म ऑफ स्लिम माउल्ड, ठीक है, लेकिन बट इट इज प्रेजेंट इन स्पोर, स्पोर में देखा जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, इन स्पोर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ किसका बना हुआ है, सेल्यूलोज का बना हुआ है। अब देखो ध्यान से, इसमें ना इसने प्लांट का, एनिमल का और फंगस का तीनों का कैरेक्टर शो कर दिया, तो यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्लिम माउल शो नंबर वन प्लांट प्रॉपर्टी, और प्लांट प्रॉपर्टी क्या है, सेल वॉल ऑफ स्पोर मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। दूसरी बात देखो, इसने क्या शो करा, एनिमल प्रॉपर्टी, और एनिमल प्रॉपर्टी क्या है, सेल वॉल एब्सेंट इन अडल्ट और
प्लाज्मोडियम फॉर्म। और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है फंजाई प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है। क्या है फंजाई प्रॉपर्टी, शो सेप्रोफाइटिक मोड। ठीक है, न्यूट्रिशन कैसा है, इसका जो न्यूट्रिशन है वो सेप्रोफाइटिक। एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल याद रखना इसका, और वो है प्यूलिगो। तो इसी के साथ आज हमने कंप्लीट कर लिया हमारा सेप्रोबिक प्रोटिस्टा भी। नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यू शुरू करेंगे इसमें प्रोटिस्टा जो लास्ट बचा है, और वो है प्रोटोजोन्स। तो यहाँ तक आप करके रखेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।